This is Akansha Rawat and you're watching Perfect Self Counseling Services by Akansha R. So today I'm going to talk about what is cognitive distortion. Cognitive distortion ko Hindi mein sochne ki galat tarike bhi kaha jata hai. Wo tarike hain jinke karan hamari thinking, hamari soch, hamare vichar biased ho jate hain. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पर सीरियस इफेक्ट डालते हैं जिससे व्यक्ति में स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है ये हमारे डिसीजन मेकिंग पर भी इफेक्ट डालते हैं 1960s में एरन टी बेक जब डिप्रेसिव पेशेंट के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने पहली बार कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को नोटिस किया कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत ही कॉमन थिंकिंग एरर्स होती हैं हम हमेशा 100% लॉजिकल और रेशनल तो नहीं हो सकते लेकिन कभी-कभी यही अनहेल्पफुल थिंकिंग जरूरत से ज्यादा जब बढ़ जाती है तो हमारी पुअर मेंटल हेल्थ का कारण बन जाती है रिसर्च में कई बार यह भी पाया गया है कि व्यक्ति के डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण अक्सर सोचने के बायस्ड और अनहेल्पफुल तरीके होते हैं यदि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेक करना होगा और देखना होगा कि कहीं ये सोचने के गलत तरीके आपके रिलेशन और लाइफ को खराब तो नहीं कर रहे हैं आइए बात करते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कितने तरह का होता है डिस्टॉर्शन नंबर 1 ब्लैक एंड व्हाइट या जिसे डाइकोटमस थिंकिंग भी कहते हैं इसमें व्यक्ति किसी भी चीज को पूरी तरीके से सही या पूरी तरीके से गलत पूरी अच्छी या फिर बहुत बुरी सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं इस तरह से जब हम थिंकिंग में एरर करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कहते हैं जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग काम को परफेक्टली करेंगे या तो करेंगे ही नहीं उसे छोड़ देंगे पर वो ये भूल जाते हैं कि लाइफ तो 50 ग्रे शेड्स है इसमें हर बार ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है तो इस तरह की थिंकिंग एरर को डाइकोटमस थिंकिंग कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 2 पर्सनलाइजेशन इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लाइफ में जो कुछ भी गलत चीजें हुई हैं उसका जिम्मेदार वह खुद है इसमें सेल्फ ब्लेम की जो होती है टेंडेंसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है वो हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है जो कि एक थिंकिंग का गलत पैटर्न है पर्सनलाइजेशन में व्यक्ति उन परिस्थितियों और उन गलतियों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है जो परिस्थितियां उसके कंट्रोल के बाहर थी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 3 ओवर जनरलाइजेशन इसमें व्यक्ति लाइफ के एक या दो इवेंट के साथ हुए कुछ एक्सपीरियंस को पूरी लाइफ के लिए जनरलाइज कर देता है जिसे ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं जैसे यदि कोई स्टूडेंट मैथ्स में एक या दो बार कम मार्क्स लाता है तो वह ये थिंकिंग बना लेगा कि उसे तो मैथ्स में कुछ नहीं आता और वह मैथ्स में बहुत वीक है डिस्टॉर्शन नंबर 4 मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन इसमें व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को बहुत छोटा या बहुत बड़ा बनाकर परसीव करता है फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई छोटी सी गलती होती है तो आप ऐसा सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इसी तरह मिनिमाइजेशन में व्यक्ति अक्सर परिस्थिति और उस कार्य को बहुत कम वैल्यू करता है जबकि सही मायने में वे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्टॉर्शन नंबर 5 सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन ये भी एक तरह का कॉग्निटिव बायस है जिसमें व्यक्ति पूरे इवेंट में इतने सारे जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है उनको छोड़कर सिर्फ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर कुछ हो गया है तो उसके बारे में ही सोचता रहता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 6 आर्बिट्री इन्फेरेंस इसमें व्यक्ति बिना किसी एविडेंस या फिर बहुत छोटे से एविडेंस के बेस पर उस पूरे इवेंट का कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी छोटी सी डिटेल के बेस पर उस पूरे इवेंट की कहानी बना लेते हैं व्यक्ति का इस तरह से सोचने का तरीका गलत होता है डिस्टॉर्शन नंबर 7 लेबलिंग भी एक तरह का कॉग्निटिव बायस है इसमें हम किसी व्यक्ति के एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को उसकी पर्सनालिटी पर पूरी लाइफ के लिए अप्लाई कर देते हैं जैसे यदि कोई व्यक्ति कभी कभी घर लेट से आता है तो हम सोचने ये लगते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति इररिस्पॉन्सिबल है तो ये थी कुछ कॉमन थिंकिंग एरर्स यदि हमारी सोच भी इनमें से किसी भी टाइप से बायस्ड हो जाती है तो लोग हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं इसके साथ ही साथ तरह की थिंकिंग एरर्स हम बार बार करते हैं तो आगे चलकर स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर होने के चांसेस भी रहते हैं इतना ही इसी तरह की अन्य मेंटल हेल्थ की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग